अगर आप यहुन्ना की पत्री उसका 20 अध्याय 28 पद खोलें जोहना लिखित सुसमाचार कोड़ी पर्व तार 28 पद यदि आप खोलिबे जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ जते बेले यीशु कर पुनरुत्थान हला और उसके बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों से मिलने के लिए आए आउ तापर यीशु तीजो शिष्य मान को साक्षात करियो पय आसीले आप थोमा के विषय में जानते हैं आपण मन तो थोमा विषय जानिथिबे थोमा यीशु मसीह का शिष्य था थोमा जणे यीशु कर शिष्य थिले उसने यीशु मसीह के साथ खाना खाया से यीशु को सहित खाद्य खाई थिले और उसने वो सारे कार्य जो यीशु ने किए थोमा ने देखे यीशु जहां जो जो कर्म करथिले थोमा मध्ये देखिथिले लेकिन तब क्या हुआ किंतु सेते बेले कोन है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया जब यीशु को क्रूस अर्पित करा गला उसके शिष्य से छोड़कर चले गए तांको शिष्य माने तांको छाड़ी चली गले दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अन्य शब्द यदि कहिबा वो सब भाग गए से समस्ते भोलेले वो अपने स्वामी को छोड़कर जो स्वामी को छाड़ी से मैंने पड़े ले। लेकिन फिर क्या हुआ किंतु ता परिवर्तन कौन हैला यीशु पुनरुत्थित हुआ उसका पुनर्जी वो वापस आया यीशु पुनरुत्थित हैले और पुनर्बार आसिले और आकर अपने शिष्यों से मिला आसी की निजो शिष्य मान को मिसिले उसे थोमा से कहा आ उसे थोमा को कहिले थोमा हे थोमा मुझे छू कर देख मते तुम्हें स्पर्श कर देखो अपनी उंगली उठा निजो अंगूठी उठाओ मुझे छू मते छू और देख मैं वही यीशु आओ देखो मु सही यीशु अटे मैं वही यीशु हूं मु सही यीशु अटे जो तुझसे प्यार करता है जे तुमको प्रेम करे मैं वही यीशु मु सही यीशु अटे जिसके साथ तू घूमता था जहां को सहित तुम्हें बुलु थिलो तब क्या हुआ तापर कौन हला वचन कहता है वाक्य को है थोमा घुटने के बल गिर गया थोमा निजो आंठू पतिले और उसने कहा आउ से कहिले हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर हे मोर प्रभु हे मोर परमेश्वर थोमा ने दो शब्दों का प्रयोग किया थोमा दुईटा शब्द एठारे व्यवहार करी अछंती प्रभु और परमेश्वर गोटे शब्द हला प्रभु आउ गोटे हला परमेश्वर आपको इन दोनों शब्दों के बीच अंतर जानना है ए दुईटा शब्द रो भिन्नता आपन को जानिबा दरकार हम जानते हैं परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ हमें जाने जो परमेश्वर सब कुछ सृष्टि करी छंती हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया है हमें जाने जो परमेश्वर हम को त्राण करी छंती इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं इस संसार में इतने अनेक लोग छंती जो हमारे परमेश्वर को पर विश्वास करते हैं लेकिन वो परमेश्वर का प्रभु नहीं है किंतु सेमान को परमेश्वर प्रभु नहंती आप परमेश्वर पर क्यों विश्वास करते हैं आपण माने परमेश्वर को पर काहे की विश्वास करंती हो सकता है आपके विश्वास का कोई कारण हो होई पारे आपण को पाखरे विश्वास करिवा पछर किछ कारण थिवो प्रभु ने आपको चंगाई दी परमेश्वर आप प्रभु आपण को सुस्थता देथिबे प्रभु ने आपको घर दिया हो प्रभु आपण को घर देथिबे परमेश्वर ने आपकी आवश्यकता पूरी की परमेश्वर आपण को आवश्यकता को पूर्ण करथिबे यहां तक कि परमेश्वर ने आपको पापों से बचाया एमिति का कि आपण को पापों मते से उद्धार करथिबे इसलिए तो हम कहते हैं तेणु करी तो हमें कहू कि ही इज आवर सेवियर वो हमारा छुड़ाने वाला से अमर त्राण करता अटंती उसने हमको बचाया है से हमको रक्षा करियो जो हमारा चंगाई दाता परमेश्वर से हमर आरोग्यकारी परमेश्वर अटंती लेकिन हमें जानना है किंतु हमको जानिबा दरकार यहां एक रहस्य है यहां पर गोटे रहस्य अछि एक रहस्य है गोटे रहस्य अछि यद्यपि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है यद्यपि परमेश्वर हमो निमते सृष्टि करता अटंती और वो हमारा चंगाई देता है आउ हमर आरोग्यकारी अटंती लेकिन क्या वो आपका प्रभु है किंतु प्रश्न जे आपनों को से प्रभु अटंती कि क्या वो आपका प्रभु है से आपनों को प्रभु अटंती कि हो माने कहा हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर थोमा कोइले हे मोर प्रभु हे मोर परमेश्वर मैं एक मसीह भाई से बातचीत कर रहा था वो गोटे ख्रिस्टियो भाई से तो कथा वार्ता और वो बता रहा था कि किस तरह से परमेश्वर ने उसकी पत्नी को कैंसर से चंगाई दी मुझसे कहथिले कि प्रकार परमेश्वर तांको स्त्री को कैंसर ठरु मुक्त कले और वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था उसे परमेश्वर की महिमा करथिले लेकिन तभी क्या हुआ किंतु सेते बेले कौन हैला उसने अपने जेब में हाथ डाला और उसे निजो पॉकेट रे हाथ पुरेले और सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट रे पैकेट बाहर करले ये नहीं हो सकता यहां संभव नहीं है आप परमेश्वर की गवाही दें आपण माने परमेश्वर को साक्ष्य देबे आप परमेश्वर को चंगाई दाता माने परमेश्वर को आपण माने आरोग्यकारी मानिबे लेकिन क्या वो परमेश्वर आपका प्रभु है से परमेश्वर कौन आपण को प्रभु अटंती क्या वो परमेश्वर आपके शरीर का प्रभु है से परमेश्वर कौन आपण को शरीर रो प्रभु अटंती क्या वो परमेश्वर आपकी आत्मा का प्रभु है से परमेश्वर कौन आपण को आत्मा रो प्रभु अटंती क्या वो परमेश्वर आपके धन का प्रभु है से परमेश्वर कौन आपण को धन रो प्रभु अटंती क्या वो परमेश्वर आपकी बुद्धि आपकी समझ आपके ज्ञान का प्रभु है से परमेश्वर कौन आपण को बुद्धि ज्ञान और समझ रो परमेश्वर अटंती अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे यदि आप द्वितीय विवरणी 10 तार 14 पद पढ़िवे यह लिखा है लिखा है सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग सुन स्वर्ग और सर्वोच्च उच्च रथिवा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है और जहां भी ताठरे अछि वो सब कुछ परमेश्वर का से समस्त विषय परमेश्वर करते हम जानते हैं परमेश्वर ने संसार को कितना सुंदर बनाया हमें जानो इस संसार को परमेश्वर कितने सुंदर होवे तैयार करछो ये पृथ्वी कितनी सुंदर और कितनी बड़ी है ए पृथ्वी इतने सुंदर और कितने बड़ो अटे इसमें कितना सारा सोना चांदी है एठर कितने सोना और रुपा अछि
आपने देखा है कि कुछ लोग हीरे से बहुत प्यार करते हैं आपण माने कि देखि पारबे किछ लोक माने रूपा को बहुत हीरा को बहुत पसंद करन हो सकता है आपको भी हीरा बहुत पसंद हो आपण को होई पारे आपण भी पसंद करि पारन कोई छोटा सा हीरा आपको दे जडे केही आपण को उठे छोटो हीरा प्रदान करे तो आप कितना खुश हो जाएंगे आपण कित्ते आनंदित होबे कोई आपको हीरा उपहार में दे यदि केही यदि आपण को हीरा उपहार सदस्य दियंती छोटा सा हीरा ओडे छोटिया हीरा लेकिन यहां पर वचनकार कहता है किंतु एई ठारे गीत संगीत वाला कहंती स्वर्ग और जो कुछ स्वर्ग में है सब परमेश्वर का स्वर्ग और स्वर्गस्थित समस्त विषय प्रभु का रोटे अगर आप स्पेस में जाएंगे यदि आप आकाश रे जीवे आप स्पेस में जाएंगे यदि आप स्पेस रे जीवे तो वहां आपको एक प्लेनेट मिलेगा सही जगह रे आपन को ग्रह ग्रह मिलिबो एक प्लेनेट जिसका नाम है कैंक्री E55 नाम को ग्रह आपन को मिलिबो ये ग्रह पृथ्वी से लगभग दोगुना है यहाँ पृथ्वी रो साइज चेते ताठर दुई गुणो बड़ो आपको मालूम है पृथ्वी कितनी बड़ी आपण जानती पृथ्वी केते बड़ो अटे ये पृथ्वी कितनी बड़ी ये पृथ्वी केते बड़ो अटे आपको 6 के आगे 24 जीरो लगाने पड़ेंगे ये पृथ्वी का भार है या 6 सामना रे कम पखा पखी 24 टा सुनो लगे बाक पड़ी वही पृथ्वी रो ओजन सेते और इस पृथ्वी में कितने हीरे कितने जवाहरात और कितना सोना और कितने अमूल्य पदार्थ भरे हैं ए पृथ्वी मध्य रे केते सुना रूपा हीरा जे लुची रोही छि ता अतुल्यनीय लेकिन आप जानते हैं कैंक्री E55 को जानती की ये जो पृथ्वी से दुगना है जाए कि पृथ्वी ठारु दुई गुणा बड़ो ये पूरा ग्रह हीरे का है ये संपूर्ण ग्रह हीरा रे सज्जित पूरा ग्रह हीरे का पूरा ग्रह इस हीरा रे परिपूर्ण इसलिए वचनकार कहता है कि स्वर्ग जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ संसार में सब प्रभु का तेणु गीतकार कहंती जहां स्वर्ग रे जहां स्वर्गस्थित स्वर्ग चोरी समस्त विषय परमेश्वर अटे अगर आप भजन संहिता 24:1 और हागे 2:8 पढ़ेंगे यदि गीत संहिता 24:1 आओ हागे पुस्तक 2:8 पद पढ़िबे पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है पृथ्वी प्रभु का है पृथ्वी और पृथ्वी स्थित समस्त विषय प्रभु को अटे सोना और चांदी भी प्रभु का सुना और रूपा मध्य प्रभु करो यहाँ तक कि भजनकार कहता है कि पहाड़ पर पशु और आकाश के पक्षी सब प्रभु के पहाड़ रथिबा पशु माने और आकाश रे उड़ुथिबा पक्षी माने मध्य परमेश्वर को अटे बोली कहा जाए ही इज नॉट ओनली गॉड वो केवल परमेश्वर नहीं जिसने सब कुछ बनाया है से केवल परमेश्वर नहीं कि समस्त विषय से सृष्टि करि छन पर भजनकार कहता है सब कुछ उसका है वो प्रभु है किंतु गीत संहिता कहे कि से प्रभु कर सब विषय अटे वो केवल निर्माण करता नहीं लेकिन वो ओनर है ही इज द ओनर ऑफ द से केवल सृष्टिकर्ता नुहे किंतु समस्त विषय रो मालिक अटंती वो सब कुछ उसका है समस्त विषय तांकर अटे मेरे प्रिय आज जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं मो प्रिय माने आज रो जो मुख्य वार्ता मु आपण मान को देबा पाए चाहिबी उसमें एक भेद छिपा है से या तहा मध्ये गोटे रहस्य लुचि रही छि या परमेश्वर आपका प्रभु है परमेश्वर कोन आपण मान को प्रभु अटंती संपूर्ण संसार को तैयारी करि छथि जे वो नाम है ये सही नाम हो जिसके आगे संसार ब्रह्मांड झुक जाता जहां को सम्मुख रे संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हुए एक बार मेरी मुलाकात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हुई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सहित दिने मोर साक्षात हला और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मु कहली आपन को मु किछ कहिबार अछि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा प्लीज बताइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहले दया करे आप कहंतु मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको यीशु मसीह के विषय में बताना चाहता हूं मु कहले डॉक्टर साहब मु आपन को यीशु को विषय कहिया पाए चाहे जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यीशु मसीह का नाम सुना जेमिति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यीशु को विषय नाम सुनले वो अपनी कुर्सी से खड़े हो से निजर चेयर रो आसन रो ठिया उठिले मैंने कहा सर आप बैठ सकते हैं मु कहली आज्ञा आपण बसी पारंती जानते उन्होंने क्या कहा किंतु जानी छथि से कौन कहले उन्होंने कहा पास साहब से कहले पाड़ो का आज्ञा जो नाम आपने लिया है जो नाम आपने नहीं अछंती उसके आदर में मुझे खड़ा होना पड़ेगा सही ताही सही नाम और आदर मते स्थान यीशु कोई साधारण नाम नहीं है यीशु कौन से सामान्य नाम नहीं जब आप इस नाम को जानेंगे जेते बेला आपण इन नामो को जानिबे तब आपको पता चलेगा यीशु कौन है सेते बेला आपण जानी परिबे यीशु की अटंते जब आप किराए के घर में रहते हैं जेते बेला आपण गोडे भोडा घर दियारे रहेती हम कहते हैं ये हमारे लैंडलॉर्ड है आपण कहंती कि ये हमरो घरर मालिक अटंती ये घर के स्वामी है ये घरर मालिक अटंती क्योंकि आप तो किराए के घर में रहते हैं कारण आपण भोडा घरे रहंती आप उस घर में रहते हैं आपण से घरे रहंती लेकिन वो घर आपका नहीं किंतु से घर आपण कर नुहे वो घर आपका नहीं से घर आपण कर नुहे आप तो किराए पर रहते हैं आपण घोडे भोडा घरे मेरे प्रियो मो प्रियो माने यही रहस्य आपको समझ यही रहस्य आपन को बुझे पाए चाहे भजनकार कहता है सब कुछ उसका है गीतकार कहंती सब कुछ तांकर अटे सब भली वस्तु उसकी ओर से है समस्त उत्तम विषय तांको ठरु प्राप्त आपने यीशु को चंगाई दाता के रूप में स्वीकार किया आपने यीशु को सुस्थताकारी भाव ग्रहण करियो आपने यीशु को मुक्ति दाता के रूप में यीशु को त्राणकर्ता रूप में आपने ग्रहण करी छन लेकिन क्या आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया किंतु कौन यीशु को आपने माने प्रभु रूप में स्वीकार करी छन प्रभु आपकी सब बातों का सही प्रभु आपने
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଡକୁ କଡେଇ ନେବେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ସେ ଯାହା ମୋ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କହିବେ କହିବି ଯାହା ବି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବେ ତାହା ମୁଁ କରିବି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବାପା ଚାହାନ୍ତି पहला यहुना उसका 2:17 पढ़े यदि प्रथम जहन 2 पर्व तार 17 पद पढ़ंती वचन कहता है वाक्य रे लिखाई छि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगी संसार और संसार अथवा समस्त अभिलाषा लुप्त होबो अगर आप मती 4 अध्याय पढ़े यदि आपण माने माथि लिखित सुसमाचार चतुर्थ पर्व पढ़े और उसके 8 9 10 को पढ़े तारो 8 9 10 पद पढ़िवे वहां लिखा है सठर लिखा जाइयो छि यीशु ने कहा यीशु कहिले वचन कहता है वाक्य रे लिखा जाए केवल अपने प्रभु को प्रणाम केवल निज प्रभु को ही आपण प्रमाण यीशु आपका प्रभु होना यीशु आपण को प्रभु हेबा दरकार